बुद्ध और उनका धम्म। 14वां अध्याय शीर्षक है संघ से संघर्ष तक। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। संघ की सदस्य की हैसियत से उसका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न। इस दुखांत प्रकरण का प्रारंभ इस प्रकार होता है। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्यों और कोलियों दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उसका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणत हो जाता और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों के पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्यवाहियाँ की हैं। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए तो जो विरोध करना चाहें वे बोल सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है।